नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ओपनिंग मैच यानी कि पहला मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से यानी कि 2 PM से। तो आज की इस वीडियो में पहले मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस मैच के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा पहले मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, जबकि इस पहले मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा पहले मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस की एक्यूरेसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की प्रेडिक्शंस पाना चाहते हो तो एक बार आप ऑल इन वन प्रेडिक्शन के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनका काम काफ़ी बेहतरीन है और प्रेडिक्शंस भी काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, इसलिए अगर आप भी प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के फर्स्ट मैच के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट ODI मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 ODI मैचेस यहां पर हुए हैं उसमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 240 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 209 रन का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 ODI मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं, क्योंकि पिच कंडीशंस में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है पूरे मैच में। दोनों पारियों में ये पिच लगभग एक जैसा ही बर्ताव करती है। मैं आपको बता दूं कि IPL 2023 के टोटल 9 मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे, जिनमें से 5 मैचेस ऐसे थे जहां पे फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 200 के ऊपर बने थे और बाकी के 4 मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 180 से 190 के बीच बनते हुए नजर आए थे, जबकि कई सारे मैचेस में 190 के आसपास जब और 200 के ऊपर के जो स्कोर हैं वो सक्सेसफुली चेज भी हो गए थे। तो ये जो आंकड़े हैं वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पूरे मैच में बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और रिसेंट टाइम्स में ये एक शानदार बल्लेबाजी पिच साबित हुई है। पहले मैच के लिए भी यही रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि आपको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, जिस पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफ़ी आसान साबित होगा। गेंद काफ़ी अच्छी गति और उछाल के साथ बल्ले पर आएगी, तो बल्लेबाज काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं इस मैच में बल्लेबाजी करना। और जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पास मौजूद है, आप एक हाई स्कोरिंग मैच की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो जितनी ज़्यादा फ्लैट पिच यहाँ पे रहेगी आप काफ़ी चौकों छक्कों की उम्मीद भी कर सकते हो। जबकि इस मैदान पर सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना जताई गई है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन में रात के समय काफ़ी ज़्यादा ड्यू आई है इस मैदान पर। तो ऐसे में दोस्तों अगर दूसरी पारी में ड्यू आती है तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि दूसरी पारी में ड्यू आने के बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जबकि जो टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करेगी उसको गेंद को ग्रिप करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है और चेस करने वाली टीम को इस मैच में एडवांटेज मिलेगा। ऐसे में अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उन्हें पहली पारी में काफ़ी बड़ा स्कोर बनाना होगा ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, मतलब 325 के आसपास या फिर 325 के ऊपर, क्योंकि अगर 300 के आसपास या 300 से नीचे फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 ओडीआई मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया का है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 265 ऑल आउट। लोएस्ट टोटल वेस्ट इंडीज का है इंडिया के खिलाफ 169 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 261 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो इंडिया ने किया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 237 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के फर्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो इंग्लैंड के खेमे से इस मैच से पहले बड़ी अपडेट निकल कर आई है और अपडेट ये है कि बेन स्टोक्स को इस समय हिप निकल है। ऐसे में उनका पहले मैच में खेलना डाउटफुल बताया जा रहा है। हालांकि इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने ये कहा है कि मैच की सुबह हम बेन स्टोक्स की फिटनेस को देखकर ये डिसीजन लेंगे कि बेन स्टोक्स ये मुकाबला खेलेंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर बेन स्टोक्स इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं तो ये इंग्लैंड के लिए काफ़ी बड़ा झटका होगा क्योंकि बेन स्टोक्स इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे जॉनी बेस्टो के साथ डेविड मलान। नंबर 3 पर आ सकते हैं जो रूट। नंबर 4 पर बेन स्टोक्स या फिर क्रिस वोक्स में से कोई एक खेल सकता है। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान जॉस बटलर। नंबर 6 पर लियाम लिविंगस्टन। नंबर 7 पर मोइन अली। नंबर 8 पर सैम करन। नंबर 9 पर रीस टॉपली। नंबर 10 पर आदिल रशीद और नंबर 11 पर मार्क वुड आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो न्यूजीलैंड के खेमे से भी इस मैच से पहले बड़ी अपडेट निकल कर आई है और अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन अभी भी पूरी तरह से मैच फिट नहीं है जिसके कारण वो इस पहले मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड की कप्तानी टॉम लेथम करने वाले हैं। तो आपको न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे डिवॉन कॉनवे के साथ विल यंग। नंबर 3 पर आ सकते हैं डैरिल मिचेल। नंबर 4 पर मार्क चैपमैन। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान टॉम लेथम। नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स। नंबर 7 पर रचिन रविंद्र। नंबर 8 पर इश सोडी। नंबर 9 पर मैट हेनरी। नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर मिचेल सेंटनर आ सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 95 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं जिसमें से इंग्लैंड ने 45 मैचेस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 44 मैचेस जीते हैं। 4 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं और 2 मुकाबले टाई हो गए थे। तो आप इन ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड से क्लियरली देख सकते हो कि मामला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ओडीआई वर्ल्ड कप के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में तो ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आमना सामना टोटल 10 मैचेस में हुआ है और यहां भी आपको मामला बिल्कुल बराबरी पर नजर आ रहा है। इंग्लैंड ने भी 5 मैचेस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी 5 मैचेस जीते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रीसेंट ओडीआई मैचेस की। तो जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुए हैं वहां पर इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है और एक मुकाबला टाई हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंग्लैंड ने जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से सभी 5 मैचेस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं जबकि 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करोगे तो दोनों टीमों की फॉर्म इस समय काफ़ी अच्छी चल रही है लेकिन इंग्लैंड की फॉर्म न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो इंग्लैंड की तरफ से आप डेविड मलान के साथ जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 520 रन्स बनाए हैं 87 के एवरेज और 95 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कैप्टन जॉस बटलर के साथ भी जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 418 रन्स बनाए हैं 52 के एवरेज और 112 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 361 रन्स बनाए हैं 36 के एवरेज और 80 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप डैरिल मिचेल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, ये भी इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 6 मैचेस में 251 रन्स बनाए हैं 50 के एवरेज और 96 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लैंड के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप ऑलराउंडर क्रिस वोक्स के साथ जा सकते हो जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और लोअर दौंडी ऑर्डर आकर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं बल्ले के साथ।
न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड गेंद से काफी अच्छा है। 15 इनिंग्स में 25 विकेट्स ले चुके हैं 29 के स्ट्राइक रेट के साथ और हाल फिलहाल में काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मार्क वुड के साथ भी जा सकते हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 9 इनिंग्स में 9 विकेट्स ही चटकाए हैं 53 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच मार्क वुड को काफी रास आ सकती है क्योंकि इस पिच पर काफी अच्छा पेस और बाउंस मौजूद रहेगा। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर आदिल रशीद के साथ भी जा सकते हो। इनका रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है, 14 इनिंग्स में 18 विकेट्स ले चुके हैं 43 के स्ट्राइक रेट के साथ और हाल फिलहाल में भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट के साथ जा सकते हो। ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन है, 14 इनिंग्स में 27 विकेट्स चटका चुके हैं 28 के स्ट्राइक रेट के साथ और इस समय बेहतरीन फॉर्म में भी है, हर मैच में एक या फिर दो विकेट्स जरूर चटकाते हैं। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर रचिन रविंद्र के साथ भी जा सकते हो जो कि लोअर दौंडी ऑर्डर बल्ले के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुके हैं 22 के स्ट्राइक रेट के साथ। अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के फर्स्ट मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 से पहले अपने दोनों वार्म अप मैचेस जीत कर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले जो दो वार्म अप मैचेस खेले थे उसमें से एक मैच जीता था जबकि एक वार्म अप मैच इंडिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पिछले महीने इंग्लैंड में जो वनडे सीरीज खेली गई थी वहां पर इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज करी थी, तो उसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंग्लैंड की टीम को इस मैच में भी जरूर मिलेगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में जितने भी वनडे मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो लास्ट 15 ओडीआई मैचेस हुए हैं उसमें से न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 4 मैचेस जीत पाई है जबकि इंग्लैंड ने 11 मैचेस जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपको बताने के लिए काफी है कि हाल फिलहाल में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आई है। तो ऐसे में इस मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम क्लियर फेवरेट्स नजर आ रही है। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप में जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो हमें काफी क्लोज मैचेस देखने को मिलते हैं और मामला लगभग बराबरी का ही नजर आता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल है जो कि टाई हो गया था और बाद में सुपर ओवर में जाकर इंग्लैंड ने वो मुकाबला जीता था। तो ऐसे में एक बार फिर से आपको दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है जहां पर दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगी। स्ट्रॉन्ग साइड तो इंग्लैंड नजर आ रही है लेकिन दोस्तों मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इस मैच में न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड को सरप्राइज कर सकती है। ऐसे में इस पहले मैच के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो न्यूजीलैंड के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच जीतेगी, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।